ये देखो छाछ बनने की तैयारी शुरू हो गई है। आफरीन के हाथ का घर में बना हुआ दही है, होममेड दही एक नंबर। अभी वो दही से रेसिपी बनाएगी और इसका छाछ। पुलाव बोटी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने ली हूँ 500 ग्राम मटन और इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। ये देखिए अब ये जो चने हैं ये भी हम डाल देंगे साथ में। बिस्मिल्लाह चने डालकर भी मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी लगता है ये चना बोटी। यहाँ पर हमारे चने और हमारा मटन सब अच्छी तरह से गल चुका है। देखिए चने है ना, तो माशाल्लाह सारे स्प्रिंग रोल बन गए मेरे यहाँ पर। अभी जितने हमें खाना है उतने मैं फ्राई करूँगी, बाकी के मैं एयर टाइट डब्बे में रख के स्टोर कर दूँगी, फिर जब चाहिए जब फ्राई करके हम खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आप सब भी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी बहुत अच्छे से। तो आज हमारा ब्लॉग जो मॉर्निंग से नहीं और दोपहर से चालू हो रहा है ना। अभी दोपहर का खाना ना खा के बैठे एक नंबर आलू पालक की भाजी बनाई थी आफरीन ने, दाल चावल आलू पालक की भाजी खाया हो मस्त। अभी छाछ के लिए अपील किया हूँ, देखिए मेरी अपील पास होती है ना। हाँ खाना तो खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और दोपहर में फिर छाछ भी पीते हैं ना, तो छाछ बना के देती हूँ, फिर वो चले जाएंगे बुटीक पर और मैं अपनी रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए आज रेसिपी में क्या बन रहा है। अब ये जो छोटी छोटी जो बूटी है ना, इसको देख के आप अंदाजा लगा लो क्या बन रहा है। तो आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है चना बूटी। मैं बूटी का नाम नहीं तो लोग समझ जाएंगे क्या बूटी बोले, मतलब बूटी का आगे क्या लगता है? चना बूटी, क्योंकि जिस तरह से हम भटियार खाने से लाके खाते है ना, है ना, उससे भी अच्छा बनता है घर में। और एक नंबर आप ही बना दिए, रेसिपी देखना और बना के पूरे परिवार को खिलाना, बहुत मजा आएगा। सही बात है। आज सोचे क्या बनाएंगे रेसिपी में, तो बहुत दिनों बाद याद आया कि चना बोटी नहीं बनाए थे, तो फिर रेसिपी बहुत दिन पहले डाली ना पूरी। नहीं बनाई नहीं हूँ अभी तक, तो बना नहीं माशाल्लाह एक नंबर, अभी तक बनी भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना रमजान के चने रखे हुए थे व्हाइट चने, तो मुझे याद आया तो मैंने चलो अभी चना बोटी बना देते। एक छोटी छोटी बूटी और साथ में चना, तो चना बोटी अपना रेडी होने वाला है वो जल्दी माशाल्लाह। अभी मैं जल्दी से ये सब साफ सफाई करके चॉप करके आप लोगों को मिलती हूँ किचन में। देखिए कोयल की कुक चालू हो गई, आफरीन की रेसिपी स्टार्ट, कोयल की कुक स्टार्ट। अभी मैं जल्दी, पहले तो मैं इनको मेरे शौहर को छाछ बना के पिलाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी रेसिपी। चलो चलो छाछ बनाओ छाछ बनाओ। ये देखो छाछ बनने की तैयारी शुरू हो गई है, आफरीन के हाथ का घर में बना हुआ दही है, होममेड दही एक नंबर। अभी वो दही से रेसिपी बनाएगी और इसका छाछ। हाँ ये निकाल ली हूँ थोड़ा रेसिपी में डालने के लिए, ज्यादा है ना, ज्यादा छाछ नहीं बनानी है। हमेशा घर में आफरीन ने दही बना के रखती है। हाँ हमेशा रहता है, कभी छाछ तो कभी लस्सी, हम लोग पीते रहते बना बना के डेली। और गर्मी में पीना भी चाहिए यार। देखिए क्या क्या डाल रही है, मसाले वगैरह और ये भुने हुए जीरे का पाउडर, बस दो आइटम, दो आइटम में छाछ बन जाएगी एकदम स्पेशल। बस सब क्योंकि मसाला छाछ नहीं पीते हो ना। मसाला नहीं, मेरे को एकदम सिंपल चाहिए, काला नमक और जीरा, ठंडा पानी और ठंडा पानी, सिंपल है सुबह। ज़्यादा वो मसाला वसाला भी वो क्या मतलब, आपको ठंडे के लिए चाहिए वो बेहतर है। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है, ऐसी छाछ पी जाए गर्मी के मौसम में, एकदम मूड बन जावे, दिल खुश जिगर खुश, रोज पीना चाहिए, पेट पेट तो दुआई देगा क्या चीज पिए बोले। ये देखिए भाई ये मेरा गिलास तैयार, ना मैं देती सब पियो, तुम पी के दिखाओ क्या बात है माशाल्लाह। ऊपर नीचे कर लेंगे, सरपंच पियेंगे ना तुम, माशाल्लाह एक नंबर, बहुत ही अच्छी छाछ बनी ये साइफन। कोयल भी कूक रही है। चलो पीते। तो माशाल्लाह सब काम वगैरह हो गया मेरा, मेरे शौहर भी चले गए बुटीक पर और मैं आ गई हूँ किचन में अपनी रेसिपी बनाने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई आज मैं बनाने वाली हूँ चना बोटी,
तो चलिए आइए देखिए चना बोटी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चना बोटी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने ली हूँ 500 ग्राम मटर और इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। चना बोटी के लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट करेंगे, इसको बड़ी बड़ी बोटी नहीं रखते, छोटी छोटी बोटी रखते। ये 500 ग्राम है गोश्त और यहाँ पर ली हूँ मैंने एक कप मैंने काबुली चना ली हूँ वाइट चना और इसको ना मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगा दी थी, अच्छी तरह से फूल गया है तो ये मैंने एक कप ली हूँ। चलिए अभी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे मैंने रख दी हुई कुकर, कुकर में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। ये देखिए 2 बड़े चम्मच तेल डाल दी, तेल गर्म होने देंगे। तो चलिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल में डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 1/2 चम्मच शाहजीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता, ये डाल देंगे इसमें। अब उसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली हूँ, ये भी डाल देंगे इसमें। अब प्याज डाल के हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए वहाँ तक मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ आगे का। तो यहाँ पर हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चलिए अब क्या करेंगे, आप इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाह। पेस्ट डालकर भून लेंगे। ये देखो पेस्ट डालकर भी मैंने भून ली हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम ये मटर, धो के रखिए अच्छी तरह से, बिस्मिल्लाह। ये भी डालकर हम भून लेंगे इसी के साथ, ये उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये कलर थोड़ा चेंज हो जाए इसका। वहाँ तक भून लेना है 4 से 5 मिनट तक, मैं अच्छी तरह से इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए अच्छी तरह से भून चुका है और साइड से तेल भी छोड़ चुका है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसाले में देखो मैंने क्या क्या ली हूँ, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मटन मसाला कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये सारे सूखे मसाले भी जाएंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से डाल देंगे सारे मसाले, मसाले डालकर भी 1 मिनट भून लेंगे, मसालों का भी कच्चापन खत्म हो जाए, बस 1 मिनट भून लेंगे इसको गोश्त के साथ में। ये देखो भून ली मैंने, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप कर ली हूँ, मैं चॉप करके डाल रही हूँ, अगर आप लोगों को पेस्ट बना के डालना है तो वो भी डाल सकते, तो ये डाल देंगे इसमें। अब इसको टमाटर डाल के और अच्छे से भूनेंगे, टमाटर जो है हमारे नमक नरम हो जाए और पूरा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, जब तक हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट भूनते रहेंगे, उसके बाद में आगे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है, ये देखिए, और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। चलो अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम दही, ये 100 ग्राम के करीब मैं दही डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। दही डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही डालते वक्त गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे वरना दही फट जाता है, मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ। अब मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई करेंगे, अब हाई फ्लेम पर और 2 मिनट इसको भून लेंगे, क्योंकि दही डाले हैं ना और 2 मिनट तक भून लेते। दही डालकर भी मैंने 1-2 मिनट तक पका ली हूँ इसको, अच्छी तरह भून ली हूँ। देखिए हमारा मसाला गोश्त सब अच्छी तरह से भून चुका है, जितना अच्छा भुनेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल भी नहीं आती है ना मसालों की ना गोश्त की। ये देखिए अब ये जो चने हैं ये भी हम डाल देंगे साथ में, बिस्मिल्लाह। चने डालकर भी मिक्स कर लेते, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी लगता है ये चना बोटी। चलिए अभी चने भी डाल दी, चने डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी,
तो इसमें मैं डालूंगी एक गिलास पानी। ज़्यादा पतला नहीं बनाते इसको, ये बस ऐसी इसी तरह से रहता है सूखा सूखा। एक गिलास पानी काफ़ी है इसमें। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे ऊपर का। ढक्कन लगा के 5 सीटी आने देते। 5 सीटी में हमारा गोश्त भी गल जाएगा, चने भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 सीटी के बाद मैं आप लोगों को फिर खोल के दिखाती हूँ ढक्कन। तो यहाँ पर हमारे कुकर को 5 सीटी हो चुकी है। चलिए अभी गैस का फ्लेम तो ऑफ कर दी थी, इसको खोल के देखते हैं। पहले प्रेशर रिलीज कर लेंगे और इसको ढक्कन खोल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर हमारे चने और हमारा मटन सब अच्छी तरह से गल चुका है। देखिए चने है ना। अब क्या करेंगे, अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 4 हरी मिर्ची डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कोथमीर। कोथमीर पुदीना डाल के हम इसको 1 मिनट पका लेते। मिर्ची कोथमीर पुदीना डाल के तो ये हमारा चना बोटी का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जितना दिखने में अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी रहता है। चलिए अभी 1 मिनट में इसको पका लेती हूँ। तो 1 मिनट हो गया है कोथमीर पुदीना और हरी मिर्ची डाल के पकाते हुए। देखिए माशाल्लाह, अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चना बोटी को डिश आउट कर देंगे। अब चना बोटी को हम डिश आउट कर लेते। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है ये हमारी चना बोटी। तो चना बोटी को मैंने डिश आउट कर दी हूँ। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया, हरे धनिया से कर देंगे गार्निश। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी रेसिपी चना बोटी बनके रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये रेसिपी चना बोटी की, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने घरों में इसे ज़रूर ट्राई करना। इसे रोटी पराठे के साथ या तो फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए फिर मेरा ये रेसिपी बना के तो हो गया, फिर आगे की रूटीन आप लोगों से शेयर करें। तो माशाल्लाह रेसिपी बना के तो हो गई। रेसिपी बनाने के बाद अभी शाम के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को खाने का मन कर रहा है तो इसलिए सब वेजिटेबल्स काटते बैठी हूँ। अभी बनाती हूँ चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी, तो मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ रमज़ान में। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, बहुत अच्छे लगते। अभी मैं जल्दी से वेजिटेबल्स काट के जाती हूँ अंदर पकाने के लिए। मैं आप लोगों से बात भी करती हूँ और पकाती भी रहती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए चिकन स्प्रिंग रोल के लिए मैंने इसके ये मसाला तैयार कर ली हूँ और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ अभी बनाने के लिए। जल्दी से बनाती हूँ, बच्चों को चाय के साथ खाना है चिकन स्प्रिंग रोल। बना के आप लोगों से मिलती हूँ। चलो, तो माशाल्लाह सारे स्प्रिंग रोल बन गए मेरे यहाँ पर। अभी जितने हमें खाना है उतने मैं फ्राई करूँगी, बाकी के मैं एयर टाइट डब्बे में रख के स्टोर कर दूँगी, फिर जब चाहिए जब फ्राई करके हम खाएंगे, बाकी के मैं फ्राई कर दूँगी। चलो फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये फ्राई करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये फ्राई हो चुके हैं हमारे क्रिस्पी करारे चिकन स्प्रिंग रोल। चलो फिर खाती हूँ, खा के फिर नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो माशाल्लाह मेरी नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और सैफान भी अरबी जाने के लिए रेडी हो रहा है ना। सैफान सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। सैफान जा रहा है अरबी पढ़ने के लिए, मेरा बच्चा अभी इसका भाई लेकर जाएगा। हसन भी गया नमाज पढ़ने के लिए, वहीं से सैफान को भी लेकर चले जाएगा। अरे बहन चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। हाँ, तो अभी सैफान भी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम भी हो गया मेरा।
और अभी मेरी को फुर्सत मिली है देखो। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा दिन भर का रूटीन और ख़ास करके मेरी रेसिपी चना बोटी की? तो आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करना, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, तो चलो अभी ये वीडियो को एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आफरीन दस्तर खान। चलो अल्लाह हाफिज़।